मैं आबिद हुसैन भट्ट, भारतीय जनता पार्टी का डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी गांधरबल। मैं सबसे पहले आप सब लोगों को सलाम अर्ज कर लेता हूँ और उसके बाद इस चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों से ये एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। पहले हमारी ग्रीवेंस सेल जो होती थी वो श्रीनगर में हुआ करती थी, अब पार्टी ने ये फैसला ले लिया है कि हम गांधरबल में भी ग्रीवेंस सेल खोलेंगे। तो पार्टी के आदेश के मुताबिक हमने ऑफिस में ही इस चीज़ का इंतखाब किया और इस चीज़ को लेके, ग्रीवेंस को लेके लोगों की जो भी कोई ग्रीवेंस होगी वो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आके, बीजेपी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आके हमें वो अपने अपने ग्रीवेंस बता सकते हैं, जिसका हम अदालत करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों के हित में काम कर रही है, लोगों के भलाई के लिए काम कर रही है। जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं, जो मतलब उनको हल नहीं होते हैं, वो हमारे पास आके हमें एक एप्लीकेशन दे के हम उस चीज़ का अदालत करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी इंशाल्लाह ताला लोगों के लिए है और लोग हमारे हैं, हम लोगों के हैं। तो मैं लोगों से मुतबाना गुजारिश कर लेता हूँ, अगर किसी को भी हमारी ज़रूरत होगी तो वो हमारे ऑफिस भीहुमा में आके हमसे राबता कायम कर सकता है। हमने ग्रीवेंस का टाइमिंग जो रखा है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 3 बजे तक, ये वो अपनी ग्रीवेंस यहाँ पर सबमिट कर सकता है। तो इसके साथ साथ मैं डिस्ट्रिक्ट गांधरबल में जो भी गरीब बेरोज़गार नौजवान हैं, हम उनके लिए इंशाल्लाह ताला 2400 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से पहल कर लेता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोग अपना ग्रीवेंस खुद नहीं देख सकते, लोग खुद भी देख सकते, लेकिन हमसे उनको बहुत भरोसा है, हमारी पार्टी के ऊपर उनको भरोसा है। उस भरोसे को कायम रखने के लिए मैं लोगों के साथ शाना बशाना चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें कम से कम पता चलना चाहिए कौन से एरिया में, कौन से इलाके में किसको कौन सी प्रॉब्लम है। तो इंशाल्लाह ताला लोगों के दिलों में प्यार हमारे लिए जो है वो सबसे बड़ी बात है। मैं लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उन्होंने परसों ही हमें यहाँ पर दिखाया गांधरबल में। अगर हमें मतलब कैंडिडेट्स थे तो उनको वोट डाल के, बेशक बेशक वोट कम आए लेकिन हमारे लिए बहुत है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे कोई बंदा वोट डालेगा उसको कोई लालच नहीं थी, फिर भी वो निकल के भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट दिया, वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है।